बिहार में कोरोना महामारी और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मचे हाहाकार के बीच बेगूसराय से एक अच्छी खबर आ रही है। जिले में करीब एक साल में कोरोना की वजह से बंद पड़ी ऑक्सीजन फैक्ट्री चालू हो गई है। इस फैक्ट्री से रोजाना 480 ऑक्सीजन सिलेंडर का उत्पादन किया जाएगा। प्लांट के डायरेक्टर नीरज कुमार ने बताया कि बिजली की समस्या और सरकारी सहायता नहीं मिलने की वजह से फरवरी 2020 से ही ऑक्सीजन उत्पादन का कार्य बंद था। अब कोरोना के बीच ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए बेगूसराय के डीएम ऑक्सीजन उत्पादन फिर से शुरू किया गया है। इससे बेगूसराय ही नहीं आसपास के कई जिलों को भी लाभ मिलना शुरू हो गया है। हमारे फैक्ट्री का उत्पादन पिछले फरवरी से ही बंद है, लेकिन कोरोना की स्थिति को देखते हुए डीएम साहब के प्रयास से ये फिर से बिजली कनेक्शन करके इसके समस्या को दूर करके इसको चालू कराया गया और पुनः ये उत्पादन यहाँ से शुरू हो गया है, जिसका लाभ यहाँ के जितने भी हैं तमाम हॉस्पिटल वाले को मिल रहा है और यहाँ के जितने भी कोरोना से पीड़ित मरीज हैं उन सबको इसका लाभ मिल रहा है। और इसके उत्पादन होने से आसपास के भी जिलों को इसका लाभ मिल रहा है। उन लोगों को जैसे ही पता चला कि ये बेगूसराय में उत्पादन स्टार्ट हो गया है, वो लोग भी अपना गाड़ी भेज रहे हैं, जिससे उन लोग वहाँ भी उस जिला को भी वहाँ भी जितने कोरोना के पेशेंट हैं उनको भी इसका लाभ मिल पाएगा। गंभीर स्थिति बनी थी, इसको कोरोना की महामारी को देखते हुए और डीएम सर के सहयोग से यह फैक्ट्री पुनः चालू हो पाया है। इसके चालू होने से कम एक दिन में 480 सिलेंडर की फिलिंग हो जाएगा। इसकी क्षमता इसे तो 500 है, लेकिन हम लोग इसको 480 ही निकाल पाते हैं और ये पूरे बिहार में तीन ही जगह उत्पादन है और बाद बाकी लिक्विड की सहायता से चलता है, जो कि अभी लिक्विड की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लिक्विड पूरे बिहार वालों को नहीं मिल पा रहा और यहाँ के जो फैक्ट्री है उसी पे निर्भर है पूरा बिहार। बिहार में ऑक्सीजन के हाहाकार के बीच डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि देवना में बंद पड़े प्लांट की समस्याओं को दूर कर ऑक्सीजन उत्पादन का काम शुरू किया गया है। ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए एक सेल का गठन किया गया है और एक पदाधिकारी, उस सेल में 4 सदस्यीय समिति है वो, और उसमें एक नोडल पदाधिकारी बनाए गए हैं। उन पदाधिकारी की जिम्मेदारी है कि जिले में जितने भी ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने वाली एजेंसियां हैं उनसे कोऑर्डिनेट करके निर्बाध रूप से सभी निजी अस्पतालों में और सभी सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति उसकी सुनिश्चित की जा सके। अभी वर्तमान में हम लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध है और हम लोग ये सुनिश्चित कराएंगे कि ऑक्सीजन की कमी कहीं जिले में ना रहे। इसकी लगातार मॉनिटरिंग हम लोग करते रहेंगे। इसके बावजूद लेकिन हम लोगों को कोरोना संक्रमण को ख़त्म करना है, हम सभी लोगों को खुद जागरूक रहना होगा और अपना बचाव करना होगा अधिक से अधिक, ताकि ये संक्रमण की चेन रुक सके। आपको बता दें कि बेगूसराय में 1500 से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं। कोरोना की दूसरी लहर पहले से ज्यादा खतरनाक और जानलेवा है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई अस्पतालों के हाल बहुत बुरा है। ऐसे में बेगूसराय में फिर से चालू हुए प्लांट से कुछ तो राहत जरूर मिलेगी। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहें द बॉस न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।